जी अस्सलाम वालेकुम सब किसान भाइयों को। तो जी ये देखें हमारे किसान भाई, ये हमारे पास इधर सैलाब आया हुआ है और ये देखें क्या सूरत हाल है। यहाँ हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, हमारा इधर कोई किसान का कोई परेशान हाल नहीं है बिल्कुल। ये देखते जाएं, आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। और ये अभी काम में अभी आया है, लेकिन अभी इसने 2 से 3 फुट ऊपर चले जाना है। ये हमारे भाई हैं इरफान साहब एंड फियाज अदर, इनसे बातचीत करते हैं। जी मियां जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम किसान फेडरेशन की पाकिस्तान की तरफ से हाजिर हुए हैं यहाँ पर फ्लड के एरिए में, जहाँ पर लोगों के काफ़ी सारे नुकसान हो गए हैं। तो हम किसान फेडरेशन के जो हमारे हैं चीफ ऑर्गेनाइजर, उनका ये एरिया है, उन्होंने इन्वाइट किया है कि यहाँ पर देखें कैसी सूरत हाल है। बताएं सारा क्या सब क्या सूरत हाल है। सब आप देख रहे हैं कमान के अलावा जितनी भी फसलें थी सारी ख़राब हो चुकी हैं, और मज़ीद अभी तक पानी के आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, और बताया जा रहा है कि पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मक्की काफ़ी लोगों ने बीज दी थी, जो अब सारी ज़ाया हो चुकी है। बाकी जो छोटी फसलें थी वो तकरीबन सारी तबाह हो चुकी हैं। किसानों के बारे में कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस आपके सामने ही। अच्छा, इसके अलावा ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा जूम करें, दिखाया वो घर है, वहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद हैं, वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, वहाँ पर जानवर भी खड़े हैं, वो खुद भी हैं, वो बहुत इस वक्त गैर महफूज हैं। तो यहाँ पर वो यहाँ ये जगह छोड़ कर कहीं जाना नहीं चाहते, वो नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका सब कुछ यहाँ पर है, जो उन्होंने साल भर मेहनत की है यहीं पर उनकी मौजूद है, वो इसलिए छोड़ कर नहीं जा रहे। हो सकता है पानी कम हो जाए और उनकी मुश्किल भी कम हो जाए, लेकिन हम किसान फेडरेशन पाकिस्तान अपने किसान भाइयों के लिए, अगर ये पानी अगर मज़ीद बढ़ता है तो हम यहाँ पर रेस्क्यू की सूरत हाल और बाकी तमाम चीज़ें मेंटेन करेंगे, कश्तियाँ लेकर आएंगे और यहाँ पर अपने किसान भाइयों को निकालेंगे यहाँ से, और अब भी कोशिश कर रहे हैं आगे तक जाने की और उनके मसाइल जो है उन तक पहुंचने की। रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है तो फिर भी जाना तो है ना, हिम्मत है और मेहनत है, इसलिए जो लगा ना है किसान भाइयों के लिए वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम अब इनके बारे में जो मसाइल हैं वो देखते हैं, चेक करते हैं और जायज़ा ले रहे हैं। जी मलिक फियाज साहब, आपके एरिया है, आप बताएं कहाँ से जाना है, रास्ता है नहीं है, पानी में क्या मुश्किल हैं? खुश्क रास्ता नहीं है, पानी में से ही जाना है, यही सड़क थी जो जाती है आपके सामने दरिया तक मुकम्मल, ये सड़क के ऊपर पानी है, अगर आगे जाना है तो पानी के अंदर जाना। ये दरिया से कितना फासला है यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं? 2 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर दरिया से ये बहर इतना नुकसान हो गया है। ये तो अभी बहुत सारा आगे जा चुका है, लेकिन हम जरा सड़क की तरफ से आए हैं, इधर से पानी काफी आगे चला गया है, नुकसान काफी ज्यादा है, लेकिन हम जरा इधर और साइड से। और अभी क्या इम्कान है, पानी और आना है? जी बिल्कुल, पानी अभी आ रहा है, अभी तो ये शुरुआत है। अच्छा, बढ़ रहा है पानी की सतह, ऊपर हो रही है।